हेलो दोस्तों, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट हिमानी पे। तो दोस्तों, लॉकडाउन वैसे तो ख़त्म हो चुका है कई जगह पे, बट कई जगह पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, उसे बढ़ाया भी जा रहा है वहाँ की सिचुएशंस को देखते हुए। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, कहीं किसी फेमस जगह का खाना हो और आपका मन डेफिनेटली इतने लंबे टाइम से लॉकडाउन में रहने के कारण भी इन चीज़ों का मन करने लगता है, बट अगर कोई फेमस पॉइंट हो जहाँ का कि आप लोग या तो खा चुके हैं या नहीं भी खाया हो बट नाम सुन रखा है, तो कई बार मन होता है, मूड होता है कि चलो मौका लगेगा तो ज़रूर खाएंगे। तो ऐसे में ही एक जगह है मूर्थल, दिल्ली के पास मूर्थल है, वहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं जिनमें से कुछ नंबर वन फेमस ढाबे हैं, जिसमें कि अमरिक सुखदेव, गरम धरम और मन्नत ढाबे जो कि टॉप मोस्ट में आते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके कि या तो मैक्सिमम मुझे लगता है बहुत लोगों ने खा भी रखे होंगे इन ढाबों पे जाके वहाँ के गर्मा गर्म तंदूरी पराठे, बट बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ नाम ही सुना होगा बट मन तो ज़रूर करता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके वहाँ जाकर वो खाना खा सकते हैं, कितना सेफ है कितना नहीं, मन में 100 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों ना उन क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, क्यों ना हम घर पर ही वो तंदूरी पराठे बनाए और खाएँ और पूरे परिवार को खिलाएं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और डेफिनेटली घर के बने हैं तो उसमें हाइजीन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, तो अगर हम उन पराठों को घर पर ट्राई करके देखें और वो बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट बने तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज मैं उन्हीं पराठों की सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने भी एक दो बार वहाँ पर पराठे खाए हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जब उन गर्मा गर्म पराठों पे आप वाइट मेल्टिंग बटर डालते हैं जो कि एकदम डालते ही मेल्ट होने लगता है, तो जैसे बटर मेल्ट होता है ऐसे मुंह में पानी भी आने लगता है। तो उतने अच्छे उतने ही टेस्टी वैसे ही पराठे बनाने की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक तंदूर में। जनरली वहाँ पर बनता है जो आपका भट्टी वाला तंदूर होता है उसमें, और वो हर किसी के पास घर पर नहीं अवेलेबल होता है। आज के टाइम में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक तंदूर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है काफ़ी हद तक। उस छोटे से एक इक्विपमेंट को हम घर पर लाकर आराम से अपने किचन में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे आपका पॉइंट आपको अवेलेबल हो और सेफ भी हो, उस जगह पे लाके उसका सेटअप कर सकते हैं और मैक्सिमम तंदूरी चीज़ों का मज़ा उसी में बनाकर घर पर, और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आपको उस तंदूर में मिलता है जो कहीं बाहर पे आपने देखा होगा, जहाँ पे आपने कुछ खाया होगा, वो मज़ा आपको घर बैठे भी मिल सकता है। तो इसी तरह की बहुत सी रेसिपीज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी आगे भी बहुत सारी तंदूरी रेसिपीज़। तो अभी तो हम देखते हैं आज के हमारे फेमस मूर्थल वाले तंदूरी पराठे। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को आटा लगाना सिखाऊंगी, जिसमें कि मैंने नमक ऐड कर लिया है क्योंकि पराठे बनाने जा रही हूँ मैं तंदूरी, और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी लेके मिक्स करती जा रही हूँ। आटा मुझे इसका लगा के आपको बताना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जनरली हम जो नॉर्मल रोटी या पराठे बनाते हैं और तंदूर में कोई खाना बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमें लगाना होता है, इसके लिए थोड़ा नरम आटा। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है, इसमें नमक डालने के बाद पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छा खासा पानी से मैंने ले लिया है बार बार करके। मैंने पूरा पहले तो सूखे आटे को इस पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे गीला कर लिया है बेसिकली, और इसको लगाने के बाद हम एक तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड करना होगा, जितना हम नॉर्मली रोटी के लिए या पराठे के लिए जैसा टाइट आटा या सॉफ्ट आटा हम लगाते हैं उससे थोड़ा सा हमें नॉर्मली इसे नरम रखना होगा। तो उसके लिए जब हम पूरा एनफ वाटर डाल लें तो अब हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना होगा, और उस पानी को डालने के बाद अब इसकी नीडिंग हमें बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी नीडिंग होगी इसका ग्लूटेन उतना ही अच्छे से रिलीज़ होगा, आटा उतना ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से हथेली से फैलाते हुए और उंगलियों से समेटते हुए आटे को 5 से 7 मिनट के लिए हमें अच्छे से नीडिंग करनी होगी, और नीडिंग करने के बाद इस आटे को हमें गीले कपड़े या फिर किसी प्लेट से ढक के रख देना होगा। और आप देख सकते हैं इस तरह घुमा घुमा के मैंने जिस तरह से नीडिंग की है तो इसके चारों तरफ जितना भी पानी था इस बर्तन में वो इस आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और आटा आपको देखने से ही पता चल रहा होगा सॉफ्ट आटा लगा है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा है। अब मैं इसे प्लेट से ढक के रख रही हूँ। तो अब हम आटे को साइड में रख देते हैं आधे घंटे के लिए, और दूसरी तरफ हम स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ आलू उबाल लिए हैं,
और उन्हें मैश कर लिया है। साथ में दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई और दो प्याज बारीक कटी हुई इसमें मैंने डाल दी है। और अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से मैश करके इसमें डालेंगे तो इसमें फ्लेवर और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी। हरा धनिया भी आप इसमें यहीं पर डाल सकते हैं या फिर पराठे के ऊपर भी लगेगा, जो कि ऑप्शनल होगा। ये मैंने डाला है साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर मैं गरम मसाला ले रही हूँ। अमचूर इसमें ऑप्शनल है और एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इन मसालों को अच्छे से मैश कर लें और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आलू बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए जब आप इसमें मसाले मिलाएं, नहीं तो आपके पराठे फट जाएंगे। जो पराठे जब भी फटते हैं जनरली हमारी स्टफिंग में या तो पानी होता है या फिर वो गर्म होती है। तो देखिए ठंडे आलू का मैंने बनाया है और स्टफिंग देखने से ही बढ़िया लग रही है। अब यहाँ पर मैंने तंदूर को गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी आप देख सकते हैं अभी मैंने स्टार्ट किया है तो नीचे कोई भी रेड रॉड आपको नहीं दिख रही है। इसे 7 से 8 मिनट के लिए मुझे गर्म करना है। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि रॉड एकदम रेड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पराठे को बेलने की शुरुआत अब करनी है जब ये लगभग पूरा गर्म हो चुका है हमारा। तो पराठे के लिए जैसा कि मैंने बताया आटा सॉफ्ट लिया है, जितना आपको लोई लेनी है उतना लीजिए। थोड़ा सा इसमें हैवी पराठे जाएंगे और पराठे को ज़्यादा पतला भी मत बेलिए क्योंकि ये तंदूर में सिक रहा है और हीट तेज़ होगी। ज़्यादा पतला पराठा होगा तो कैड़ा हो जाएगा। तो पहले मैंने उसको बेल लिया है थोड़ा सा, उस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद आप मन चाहे अमाउंट में इस पर पिट्ठी लगाकर अच्छे से स्टफिंग कर लीजिए। मैंने 3 फुल स्पून भरकर इसमें पिट्ठी रखी है और उसको चारों तरफ से जैसे हम कचौड़ी के लिए लॉक करते हैं उस तरह से मैंने इसे लॉक कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छा मोटा पेड़ा बना है, उसे हाथों से भी थोड़ा सा प्रेस कर लें। उसके बाद इसे अच्छे से आटे में डिप कर लें सूखे आटे में और फिर इसे बेल लें। अब इस पर एक ही बार आटा लगाना एनफ रहेगा, दोबारा हमें आटे की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट बेल चुका है। जैसा कि मैंने बताया था हरा धनिया मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो इसके अंदर मैंने नहीं डाला है। ये देखिए हरा धनिया डालकर भी इसे यहाँ पर बेलन से थोड़ा सा 2-3 बार बेल दें जिससे कि धनिया इससे अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमारी तंदूर की ट्रे बिल्कुल हॉट है, इसे ट्रे डालकर ही मैंने गर्म किया था तंदूर के अंदर। अब मैंने इस पर पराठा डाल दिया है और उस पराठे को मैं अंदर डाल दूंगी सिकने के लिए। इसके साथ ही इधर हमारा पराठा सिक रहा है, हम दूसरे पराठे की भी तैयारी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, हमें उसी तरह से थोड़ा मोटा पेड़ा लेना है, सूखा आटा लगाना है, राउंड राउंड बेलना है और उस पर हल्का सा ऑयल लगाकर, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ऑयल लगाकर हमें उसके अंदर स्टफिंग करनी है मन चाहे अमाउंट में। आप इस तरह से हथेली पर लेकर भी स्टफिंग रख सकते हैं थोड़ी सी कटोरी की शेप देते हुए। और मुझे तो बहुत सारी स्टफिंग पसंद है तो मैं तो अच्छे से भरती हूँ। और इसी तरह से जैसे कचौड़ी के लिए राउंड राउंड करके हमें इसमें बंद करना होता है उस तरह से बंद किया, हल्का सा हाथ से थपथपाया, आटा लगाया सूखा। बीच बीच में हमें तंदूर पे भी नज़र रखनी होगी। लगभग हमें 3 से 4 मिनट इसमें हो गए हैं ये पराठा डाले हुए, अभी इसमें सिकने की और कसर है। इधर हमें इसको फिर से बेलना शुरू कर दिया है हमने। देखिए राउंड हमारा पराठा बन गया है। अब इस पर मैं लगाऊंगी हरा धनिया जो कि मैंने ऑलरेडी बारीक काट के रखा हुआ है। आपको जितना बारीक पसंद है उतना बारीक काटिए। और ऊपर से लगाए हुए धनिये का फ्लेवर बिल्कुल अलग ही आता है, जब आप खाते हैं वो अलग ही बाइट आती है। इधर आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सिक चुका है तो इसे अब मैं पलटे से पलट देती हूँ पीछे से, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा है तो 2 से 3 मिनट के लिए भी इसे वहाँ से भी सेकना होगा। अभी इस तरफ से भी मुझे थोड़ी कसर बाकी लग रही है तो मैंने थोड़ा सा और सेकने के लिए डाल दिया है। लगभग 7 मिनट में मेरा ये पराठा एक तरफ से सिककर तैयार हो गया है। अब मैं इसे पलट रही हूँ, ये देखिए अब ये इधर से भी कच्चा है तो यहाँ पर ये 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा इधर से सिकने में। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे निकाल कर देखती हूँ, ये देखिए इधर से भी ये सिक चुका है, अब ये कहीं से भी कच्चा नहीं रहा है। तो अब ये हमारा तैयार है खाने के लिए। बट पहले से एक किसी भी स्पैचुला की हेल्प से, वुडन स्पैचुला की हेल्प से आपको निकालना होगा, अदरवाइज़ वो गर्म हो सकता है आपका जो दूसरा स्पैचुला है और आपको हार्म पहुँचा सकता है। यहाँ पर मैं इसकी कुकिंग के दौरान जो इसमें स्पैचुला लगाती हूँ वो बेसिकली वुडन ही रहता है, उससे आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। पराठा आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर बना है, बिल्कुल जैसा कि आपने कभी खाया होगा अमरिक सुखदेव गरम धर्म या फिर मन्नत ढाबे, किसी भी ढाबे पर। ऊपर से लगा दिया है लॉट्स ऑफ वाइट बटर।
आप चाहे तो बाद में भी इस पे ऊपर से और बटर डाल के खा सकते हैं। साथ में आपके पसंदीदा अचार, कोई चटनी और कुछ भी हो सकता है। इधर दूसरा पराठा भी हमारा सिकने लग रहा है, तो वही अब प्रॉपर हीट अप हो रखा है। बीच बीच में हाँ, जब आपका एक पराठा सिक जाए तो 1 से 2 मिनट के लिए तंदूर को बंद कर दे और फिर दोबारा चालू कर दे। इधर इस तरह से हमारा 5 मिनट के लगभग में ये दूसरा पराठा सिक कर तैयार हो गया है, क्योंकि अब ये प्रॉपर हीट अप हो चुका है तंदूर। अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैंने दूसरी तरफ से पलट के सिकने डाला है, जिसमें कि मुझे 2 से 3 मिनट की ही हीट चाहिए थी, जो कि बंद होने के बाद भी इसे आराम से मिल जाती है। दोनों तरफ से हमारा बढ़िया एकदम, आप देख सकते हैं कितना देखने में ही कितना सुंदर और कितना टेस्टी लग रहा है ये पराठा। और जब इसे सर्व करेंगे तो उसके बाद इसका असली लुक निकल के आता है, क्योंकि साथ में आपके पसंदीदा चाय, आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये पराठा। तो साथ में बहुत से लोग चाय पीना पसंद करते हैं। हाँ, इसे आप अपने साइज़ की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कट कर ले, 2 पीसेज या 4 पीसेज, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ का पराठा होता है, एक बार में पूरा नहीं खाया जाता है कई बार बच्चों से। और साथ में इस पे बटर लगाएं, वाइट बटर हो सकता है, घी हो सकता है, कुछ भी आपको जो पसंद हो। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे पराठे बने हैं, देखने में ही मुँह में पानी आ रहा है। अचार भी है, वाइट बटर भी है, सैलड भी है, जिसको चाय पसंद है वो चाय के साथ भी ले सकता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे आने वाले अगले वीडियो में, तो यहाँ पर ही मैं आपको बाय कहना चाहती हूँ। ओके, बाय दोस्तों।